मेरे प्यारे दोस्तों, कृपया अशोक व्लॉग्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तू कब का भाई? कहाँ मास्टर साहब? अरे घरे जुआ रे। हाँ हम कहा वहाँ टिकट काटा था का? राम ने गुरु जी बोलल कि गोरिया रे गोरिया रे बिगुरिया। बिरहा मस्ती न हो, हरे राम कृष्णा न होए के अरे मोरे राम। जवान सतयुग गई, द्वापर गई, त्रेता गई, ये कलयुग चला, लेकिन वो आदमी आज भी वो लोग जिंदा है। सबका नाम अलग अलग बताई, जगह भी बताई, खाली मोबाइल नंबर ना दे। ये मोबाइल नंबर ना दे तब कवन मोबाइल ये है अभी हमें नहीं जानकारी। मोटोरोला के हैं, रिचार्ज बार रिचार्ज कराए हैं कि नहीं कराए हैं, ऐसे मोबाइल नंबर ना बताई पाओ। जा लाल हो जा। ए, कोई खोजे सरिया राम सीजन बाबू बड़ा गिरा गाये होगा, उम्र बीत गई आप लोगन का, और बहुत कुछ सीखे के भी हमन गवैयन के मिलत है। नौजवानन के चाहे कि हमेशा अनुभवी कलाकारन का सम्मान दें, काहे से कि आप लोग जोन भाई एक लाइन बोलने रहला कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे, लेकिन हम ओके एक लाइन हम पलटी मारा कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कभी, जहाँ न पहुँचे कभी वहाँ पहुँचे अनुभवी। चाहे आप लोग अनुभवी हैं, आप लोग के पास अनुभव है, आप लोग अनुभव लगावा कि गीत का चलत हो कहाँ के बात हो। तुम्हारी भाई पहला अंतरा पहला आदमी वो के हो जेकर पैदाई सतयुग में तो भाई, लेकिन जिंदा यादव हो मरल ना हो। कैसे मास्टर भाई? अरे राजा बलि के जवन जान लाले बतिया, देवता सब घबरा गए कि हमरन का राज न चली का। राजा बोली कि चली तो भगवान विष्णु वामन रूप का अवतार लेके डब्बू भैया केकरे पास गए राजा बलि के पास। क्यों पता उलस गुरु शुक्राचार्य की भगवान विष्णु वामन के
रूप बनाए तुम्हारी छलय भी ना हो थुअन काहे मर्दे पागल है। अरे भगवान विष्णु की जब वामन रूप ले दिन हम मजबूर कर दिया हमसे काम नहीं मांगे जोन मांगे खोए। आज हम भी देखेंगे विष्णु भगवान हमसे काम मांगे लेन। वामन रूप बना के अवलन भगवान विष्णु तीन गज तीन पग जमीन मंगलन। पहला में धरती दूसरा में आकाश तीसरा कहे तीसरा कदम कहाँ रखी राजा बलि। राजा बलि कहे हमारे कपारे पकड़ल कहे एकर मतलब कहे एकर मतलब हम तन मन धन से तुहार गुलाम हो गई आजू से जितना कहबो उतना करब। अरे बाबू हे भैया तीसरा पगला के राजा बलि के सर पे रखते हैं। राजा बलि रोने लगा कहे मालिक छल लेला हमके अगर प्रेम से मंगता तो दे दे अब हमें जिए के कोनो अधिकार ना हो तो मन कहे तो हमें मुक्ति कह देता यहाँ शरीर से। भगवान विष्णु अपने असली रूप में आवत होन कहत होन कि राजा बलि तुम्हारे भक्ति से प्रसन्न हो मैं मांग लो जो मांगना है। राजा बलि कहे मालिक अब कुछ न चाहिए बस यहाँ शरीर से मुक्ति दे जा। भगवान विष्णु कहन कि ना राजा बलि तो के चारों युग में रह के हो पाताल में भजलन आज भी पातालपुरी में राजा बलि निवास करत हो। पढ़े लिखे नौजवान साथी यहाँ पर बैठे हुए हैं गूगल पे सर्च कर लीजिएगा यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा इतिहास वेद पुराण पढ़ लीजिएगा राजा बलि के मरे का कोनो प्रमाण नहीं हो आज भी वो जिंदा हो। दूसरा और व्यक्ति कौन हो जो पैदा सत्युग में भैल आज भी जिंदा हो। अरे कहाँ गए रिक्ष राजा जामवंत रानी भैया की तरफ से कौनी के वसु व्यक्ति जो पैदा सत्युग में भई आज भी जिंदा हो। राजा बलि जब भगवान विष्णु के दान देत रहल वही से सौ पग दूरी पे जामवन के पैदाइश हो गेल रहल। जामवन सत्युग में भी रहलन सत्युग के बाद त्रेता में राम के साथे कदम से कदम मिलाकर के सीता मैया का पता लगाने का काम किए। द्वापर में किशन कन्हैया के ऊपर जब समंतक नाम के मणि के चोरी का इल्जाम लगल किशन कन्हैया वो मणि ढूंढन ढूंढत एक गुफा में पहुंचलन। जौने गुफा में देखत हो की जामवंती लड़की मड़ीवा लेके खेलत हो। जब कृष्ण करण के मड़ीवा हमें दे दे तो जामवन करण के ऐसे दे दे पागल हुआ कहा चल जाना है तो उठा एक पटकम न। कृष्ण भगवान कहे लड़का समझत हुआ का बाबू हे बाबू लड़का समझत है का। कृष्ण भगवान कहे लड़का जी समझे पुरनिया जाना देखे पुरनिया बाबू लोग बैठा हुआ पुरान है कहे चला जो यहाँ से। कृष्ण भगवान कहे गते से कहत थे दे दे लड़का जी समझे बाबू लड़का समझ में पटक के चढ़ गई छे चढ़ के जब खमचब ना जब इतनी बात भइल तो कृष्ण भगवान और जामवंत का पटकी पटका भाई मल्ल युद्ध जिसके आज कलयुग में कुश्ती कहल जाला। आज भी हिंदी में के मल्ल युद्ध कहला लेकिन कहलन भैया कुश्ती कुश्ती से तो फाइट वाले में चल गई असली कुश्ती तो बंदे अशोक मास्टर। जब जामवंत तो किशन का जब लड़ाई भइल तो जामवंत तो लड़ाई में हारे लगन तो जामवंत आवाज देत हुए जय श्री राम। तो भगवान किशन कन्हैया के राम के रूप में आकर के जामवंत को दर्शन देना पड़ता है। जामवंत रोए लगन करन की मालिक आपे हुआ पहचान ना पौली। किशन भगवान करन की हम तो हम पहले ही सारा देत रहली कहन ला ये हमार मड़ी लेला आ हमारे बिटिया से बियाह भी कैला। ए भैया गुलाल भाई सर भैया
जाना था गवैया के तीन दुश्मन। भगवान अपने लड़की के और समंतक नाम के मणि के देलन, जामवंत के देलन कृष्ण भगवान के। कृष्ण भगवान ने केवल जब जा रहे तो जामवंत कहते कि मालिक बुढ़ाई के शरीर है, यह शरीर को उद्धार कर दे। श्री कृष्ण कलन के ना जामवंत तुम्हें चारों युगों में रहना है। आप लोग सर्च कर लीजिएगा गूगल पे इंटरनेट पे, क्या जामवंत अभी जिंदा है आपको जवाब देगा। जामवंत आज भी जिंदा है कलयुग में, और क्या जिंदा मास्टर भाई। अरे गुनवा दवा चुबा के जवन कुपी बुधूक काम कई लगते तामे पवन सीराम तो भगवान भोलेनाथ का चौदहवा रुद्र अवतार बतावल गए कि कलन की रुद्र के अगर तू मिटाए देव तो पानी तो कमी पूरा हो जाए। चौदहवा रुद्र कहे मालिक हम छोड़ के जाना चाहते हैं आपके। भगवान भोलेनाथ कलन की संसार को बचाना अति आवश्यक है, तुम अपने शरीर को मिटा दो, तुम्हारा अगला जन्म मेरा ही रुद्र अवतार कहे जाओगे। जब वो रुद्र अपन शरीर में डोलस तो दूसरा जन्म हनुमान को भयल। हनुमान सतयुग में रुद्र के रूप में रहलन, त्रेता में राम के साथ रहलन, द्वापर में महाभारत का लड़ाई वही अर्जुन के रथ के ऊपर बैठ के देखलन। बताओ गए कि हनुमान जी आज भी जिंदा हवन। जहां रामायण होला, कीर्तन होला, वहाँ हनुमान जी बैठे रहलन। कभी भी कीर्तन सुने के बाद केहू की बुराई न करे के चाहिए। कहब क्यार नगर नहीं गावत रहा, हनुमान जी सुनत रही तो गदा उठा के न मरी। कहीं से की लग जाते केहू से लड़के वहाँ एक्सीडेंट हो गया। तो राम का भजन ये भी कहा कीर्तन कहे बहुत नगर था, बहुत बढ़िया बारे प्रभु बारे बढ़िया। भजन तो कोनो बुराई नहीं, गवैयन की बुराई कहते चले। अरे बाबू अभी हनुमान जी चारों युग में आज भी हवन। और क्या मास्टर भाई, मऊत नहीं भैल फरसधारी परशुराम के, भगवान परशुराम बतावल गई कि दुनिया में सबके ऊपर चार कर्जा हो। कौन कौन? शिव शंकर, पहला माई का कर्जा, दूसरा बाबू का कर्जा, तीसरा गुरु का कर्जा, चौथा समाज का कर्जा। जे भी यहाँ धरती पे इंसान आवत हो उसे बताल गए कि माई की कर्जा से मुक्त हो आसान नहीं हो, लेकिन महतारी अगर खुश होके कह दे कि जा बेटवा बड़ा सेवा किया हो तो हम अपने कर्जा से मुक्त करत है, तब पॉसिबल बा। परशुराम सुगतन की माई का बात मनली, माई के कर्जा से मुक्त भैली। बाबू के बात मनली, बाबू के कर्जा से मुक्त भैली। और समाज में जहाँ अत्याचार होत रहल, समाज के कर्जा ऐसा की केहू की यहाँ अगर पंचायत हो तो चार जने गए तो लोग देखते हैं जहर ज्यादा उठ बा, वो गलत बोला था लेकिन उठिया लाइक मारा वो हर ही बोल देते हैं। काहे से अगली साल तैयारी करते हैं प्रधानी के। तो अगर ये समाज में जाना तो कर्जा तोहरे ऊपर लदता। और जे भैया जाइ और सही सही बोल दे, कहे भैया अगर हमें बुलौले हुआ सही बोलत तो मन भर कहीं यहाँ सही सही अगर बोल दे तो जाना समाज से कर्जा उतारत होगा। भगवान परशुराम सोचे थे कि समाज के कर्जा से भी मुक्त भैली, जेकरे ऊपर अन्याय होते रहे उठौली फरसा चला दियली। अब बचल गुरु का कर्जा, परशुराम सोचत हन कि गुरु का कर्जा अब बा हमारे ऊपर, कहीं हमारे गुरु के राहत पता चली भोलेनाथ। हेरा फेरा भगवान भोलेनाथ के कहा चला गए हिमाचल पर्वत पे। गए देखे भोलेनाथ के दरवाजे पे वही गणेश, भैया आखिरकार जैसे गुफा में गए कृष्ण भगवान गदा लेके पिटना लेके, गणेश भगवान पिटना लेके दुवरिये पे खड़ा रहे।
और भगवान परशुराम सोचत हन गुफा मो लिया जाए तब से गणेश कहते हे बुढ़ऊ कहाँ परशुराम कहे कही के गणेश कहे तू के भार कहे चल लम्बे हो जो जाए दे मैं गणेश कहे बस लम्बे रह नहीं कालर पकड़ ले भगवान कहे तू के कहे अरे हम भगवान भोलेनाथ के लड़का हमार गणेश कहे बेवकूफ बनाओ थे बच्ची हमारे गुरु के एक लड़का नहीं है कहे अरे हमारे पति माई पार्वती करी ना भाई ज्यादा दिन नहीं बवा कहे हमें बेवकूफ जी बनाओ चल लम्बे चल आजकल के लड़का बहुत बेवकूफ बनावत है गणेश भगवान कहे माई और बाबू दोनों जने अंदर हैं बिना परमिशन तो वही ना जाए देव कहे ऐसे न मन में गणेश कहे नहीं कहे तब तो के मार तो भगवान परशुराम गणेश को भीषण लड़ाई है लड़ाई में भगवान परशुराम अपन फरसा चलोलन गणेश जी के दांते पे लगल आप लोग देख लो गणेश जी का फोटो एक खेदा तोड़कर कटल दिखावल गए हो एक खेदा यहीं से कटा हो जब दांत कट के धरती पे गिरा तो धरती पे गर्जना भई अंदर से माई पार्वती भगवान भोलेनाथ जब निकलत हो तो लड़का धरती पे गिरल होकर दांतों कटा खून निकलत हो काली करुण बनौलिन कहत हो कि जौने के देखत तो उन्हें को हो एनहन का देखा हो कौनो हमारे बेटवा के मुड़ी काट देते हैं कौनो दांत काट देते हैं आज इन्हन के काटब क्यों के छोड़ब भगवान भोलेनाथ हाथ जोड़ के खड़ा बन कहीं शांत हो जा कहीं अरे ऐसे ही दांत कटोगे हमारे बेटवा का कहीं नहीं वो हमार चेला है परशुराम और बेटवा और चेला में बहुत ज्यादा फर्क नहीं बजाय तो गलती कह जाए छोड़ रहे पूछी वो आए कहे कहो परशुराम बुलान कहे यहाँ वो चेला रामिया वो ए चेला रामिया वो आए कहीं कथा भी नहीं है बेटवा के मुड़ी हमारे दांत काट दे है कि था कैसे चला कहा मालिक कुल तो नहीं हम चाहते हमसे कुछ गुरुदक्षिणा ले लेते हैं तो हम गुरु के कर्जा से भी मुक्त हो जाए भगवान परशुराम भगवान भोलेनाथ का जन के परसु तो अरे बस कनाई में गुरु दक्षिणा दे जा चला जा हम अपने कर्जा से मुक्त करते परशुराम कह नहीं प्रभु जब से कुछ ना मांगबे हमें कमजोर समझत ना का कहा वहां जेकर कहा ओकर मुड़ी काट के लिए आई भगवान भोलेनाथ कहे घमंड करत थे कहे नहीं मालिक इतना बा पावर कहे जो शेष नाग के गर्दन काट के लिया वह गुरु दक्षिणा रहे हमें बदे कहा छोटा सा काम बा प्रभु वह परशुराम फरसा उठाए न चला गए शेषनाग लगे शेषनाग कहे आइए महाराज आपका हार्दिक स्वागत बंदन अभिनंदन है परशुराम कहे यहाँ फूल माला पहने नहीं आई है कहे तब कहे ये तोर मुड़ी काटे आई है शेषनाग कहे चला जा तोहार औका कि हमार मुड़ी काट परशुराम को सहल रह के रचे के करी दिया मास्टर भैया थोड़ा सा गुस्सा रहो कहन परशुराम उठाए फरसा सोचा फिर मार दे कर मोड़ी कटे तो शेष ना खाली फुफकार मार दे आप लोग देखा तो हुआ आज भी कुछ नाग और सांप ऐसा घूमे लन धरती पे जहाँ रच के फुफकार मारे तो शरीर तुरंत राखी हो जाए बचे के कोनो उम्मीद शेष नाग रच के फुफकार मारन परशुराम राखी चित पड़ा हो धरती पे कुछ दिन बीते लेकिन माई पार्वती भोलेनाथ से कहते कि कहो सैया हे गणेश का बाबू अरे हो तहार चिलवा हो परशुराम आजकल नहीं दिखाता कहे पागल भैया हूँ ओके मरवाए दिया कहे काहे कहे हमारे लड़का के दांत काटे ओके छोड़ा पार्वती कहे देखा महतारी महतारी मास्टर भाई कहते नहीं तो वही कहले रहला कि गुरु और शिष्य और बिटवा में कोनो फर्क तो परशुराम चेला रहा गलती करे रहा वो बिटवा ही रहा तुहार के मरवाए दिया गलत करा ओके चल के जियाव भगवान भोलेनाथ माई पार्वती परशुराम के राख के पास आते हैं महामृत्युंजय का जाप करे परशुराम जिंदा भैलन मालूम कैसे आएंगे हम शेषनाग की मुड़ी न काट पाए भगवान भोलेनाथ कहें चल भाग जो यहाँ से बतावल गए कि परशुराम चौथा कर्जा ना पूरा कर बोलन आज भी धरती पे भ्रमण करत हुआ उनके मृत्यु का कोनो प्रमाण ना हो ना चाहे क्यों कभी चाहे क्यों गोया उनके मृत्यु प्रमाण दे परशुराम आज भी जिंदा हो मास्टर भैया और के जिंदा हो Oh,
ऐसा तमाम लोग हुआ और ज्यादा नाम न बताई आखिरी लाइन परिचय नंबर ओहर कर रही काय से कि बिरहा वही सही होला गेसिये घू दे दे